শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ী গৌরী গোষ্ঠীপতি বন্দে গুরুপদ ভক্ত বিন্দম শ্রীচৈতন্য প্রভু বন্দে নিত্য আনন্দ সহিত से नन्दनन्दनं वन्दिराधिकाः चरणद्वयं गोपीयनो समायुक्तं बिन्दावनं मनोहर <coughs> 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 वाञ्छा कल्पतरुवश्च कृपासिन्धुविवश पतितानन्दावुनेभवैष्णविभ्यो नमो नमः मुकं करोति मूक कौतील पंगुंगिरी यम माधव परमंदमाधव तुलसीदे तुलसीदेव पिया वैकेशवश न पदे देवी सत्व नमो नम नारायण नमस्कृतन जीवन ननरम

तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन तं शरण्यम् एतात्तिहं पणुतोल्यभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणं यत्पादपल्लवनखन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभवधूषु अदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ते साराधिकाय कदा कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्री अद्वैतबलाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे <coughs> कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे लम्बित भुजौ कन का बदतु संकीर्तनिकरु कमला दिजवरो विषामजर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिञ्च तदासि निवानुरूपेण सदा नरनं गङ्गातरङ्गरमणीयजटकलापं गौरीनिरन्तरविभुषिः त्वबामभागम् नारायणो प्रियमनंग मदापहारम बरान से पुरपति भजवी शनातम वागी सजुष्य बदने लक्ष्मीर जस्य च भक्षसि जस्य आस्ते हिदे संबीत त्वम् निशिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे अतः दुस्संगम सिज्ज सत्सुस बुद्धिमान शांत अश्व छिंदी मनोव्यासंगी अतो दुस्संगमुत्सृज सत्सु सज्जे बुद्धिमान सतएव अश्विंद उक्ति ग्य गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी भूपा परमंश जी ने बताएं संत महात्मा का मतलब है हर वक्त ज्ञान का ओसी धारण करके हम लोगों का अंदर में जितना सारे अन्नाभिलास है दुर्वासना है सब कुछ को बोली चढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है गौरी गोष्ठी बोती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल होगा परमंश जगत गुरु जी ने बताएं संत महात्मा का मतलब है हर वक़्त हमारा अन्न विलास दुर्वासना को बोली चढ़ाने के लिए अपना जो तरवाल लेके खड़ा हुआ है उसको बोली चढ़ाएंगे संत महात्मा कभी हमारा अन्न विलास का पुष्टि नहीं करते हमारा अन्न विलास हमारा दुर्वासना ये सब चीज़ों को पुष्टि नहीं करते हर वक़्त हमको बचाने के लिए खड़ा हुआ है संत महात्मा हर वक़्त हमको बचाने के लिए खड़ा हुआ है कैसे इसको बचाया जाए इसलिए जो जा श्लोक दे के शुरुआत किया था वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ये सवाल आ सकता है क्योंकि दुनिया में हर आदमी अपने को बुद्धिमान मानता है हर आदमी अपने को बुद्धिमान मानता है भाई मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ सिरा सोचिए भक्त में कह रहे हैं एवरीबॉडी थिंक दैट वी आर इंटेलिजेंट भक्त में कह रहे हैं दे आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेशन बट दे आर नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंट दे वास्तविक रूप में इंटेलिजेंट नहीं है बुद्धिमान नहीं है वास्तविक बुद्धिमान का सिंटम क्या है वास्तविक बुद्धिमान का सिंटम भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को बोला उद्धव उद्धव जी ने पूछा प्रभु कौन वास्तविक बुद्धिमान है बुद्धिमान कौन है भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया यही वास्तविक बुद्धिमान है जो ये दो दिन का जिंदगी में अमृत प्राप्त करने के लिए भगवत अमृत प्राप्त करने है ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषे न सत्यम अन्य नेह मर्ते अपनति अमृतम जो ये दो दिन का दो पल का जिंदगी प्राप्त करके हर वक्त वास्तव सत्व तो अमृत को आहरण करने के लिए हर वक्त अपना जिंदगी को स्वार्थक करने के लिए अमृत तो प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करे प्रयास प्रचेषा करे अपना जिंदगी को बाजी लगा दें गुरु वैष्णव का चरण में अनुगत करें ये वास्तविक बुद्धिमान है ऐशा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चौमषिनाम यह सत्यम अनित हो ये शरीर दो पल का है अनित्व है फिर भी ये अनित्व शरीर देख के नित्य वस्तु का अनुसंधान करने के लिए ये मानव शरीर मिला है बुद्धिमानों में वो वास्तविक बुद्धिमान है मनीषियों में उनके मनीषा वास्तविक है जो ये दो पल का जिंदगी धारण करके कैसे अमृत प्राप्त किया जाए इसका बारे में हर वक्त अनुक्षण प्रयास प्रचेष्टा करें इसका नाम है महाराज बुद्धिमान भगवान श्री कृष्णों का ये कहना है ये यही वास्तविक बुद्धिमान है जो श्लोक देकर शुरुआत किया था उसमें अतः दुस्संग सज्जित हर किस्म का हर किस्म का दुस्संग छोड़कर ऐसा नहीं कि महाराज ये दुस्संग चले ये थोड़ा सा ये चलता है क्या करे सब चलता है ऐसा चलता नहीं सब चलता है लेकिन ऐसा कभी होता नहीं एप्सिल्यूट ट्रूथ वास्तविक जो परम सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए मिलावटी प्रोसीडियो वो चलेगा नहीं मिलावटी प्रोसीडियो जो है आपका ये भी चलेगा ये चलता नहीं इसीलिए दुसंगो छोड़ना ये तो गौड़ी भजन का तो ये तो वास्तविक मूल वस्तु है असत्संग तय गई ये तो की पॉइंट है वो तो की है गौरिया भजन में एंट्री लेने के लिए की है चाबी है इसमें सारे राज छुपा हुआ है असत्संग तय गई वैष्णवाचार ये इसका अंदर में सारे भजन का रहस्य छुपा हुआ दुसंग का बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता जो भजन करते हैं जो वास्तविक सत्संगो जिनको मिला है जिनको जिंदगी में वास्तविक एक सत्संग मिला है उसका टेस्ट मिला है वो कभी असत्संग करेगा ही नहीं वो हर हालत में असत्संग छोड़ के ही रहेगा ये तो असत्संग करेगा ही नहीं दुस्संगो हर वक्त त्याग करना एक विधान है नियम है किसी भी हालत से दुसंगों को त्याग करना है असद भी असत भी सह संगस्तु असत भी सह संगस्तु जो असत भी संगस्तु न क्या है थोड़ा असत भी संगस्तु नौ कदाचन लिखा हुआ है जस्माद जस्माद असत्संग के द्वारा जिनके अधपतन होता है अधपतन होता है और इसके द्वारा आदमी नीचे गिरते जाता है इसलिए असत्संग तय गई वैष्णव वैष्णवाचार और वास्तविक ये भागवत जी महापुराण के श्लोक में लिखा हुआ है जो अतः दुस्संग मुश्रित जो सत्सु सज्जित बुद्धिमान कई भी हालत में किसी भी हालत में असत्संग छोड़कर सत्संग करने का व्यवस्था होनी चाहिए दुसंग से सत्सु सज्जी तो बुद्धिमान व्यक्ति सत्संग करते रहते क्योंकि सत्संग करने से क्या होता है संत एव अश्व छिंदंती ब्यासंगम उक्ति भी क्योंकि संत महात्मा हर वक्त ये अपना प्रवचन के द्वारा अपना अपराकृत वाणी वैभव के द्वारा हमारा दुर्वासना जो कुछ भी है संत एव अस्वच्छिंदन थी काट के फेंक देता है जितना अन्ना विलास है सब कुछ है इसीलिए वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति संत महात्मा का संग करे और परम चेतन वस्तु श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम चेतन वस्तु जो है परम चेतन वस् चेतनों का नित्यो चेतनों चेतनोचेतना एको बहुनाम जो विदधा कामन ये तम आत्मस्थम जो अन्पस धीरा ही न एतरेशा तो बाकी किसी को शांति नहीं मिलता नित्य वस्तु का नित्य परम चेतन वस्तु का जो परम चेतन चेतन वस्तु चेतन वस्तुओं का परम चेतन नित्य वस्तुओं का बीच में परम नित्य वस्तु का जो चाहता है इनके चरण में जो अपना तन मन धम सब कुछ दे देता है इसको ही आनंद मिलता है भाग्य किसी को नहीं पिछले दिन चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ तक आया था श्रीमती राधारानी का तत्व कृष्ण भगवान का तत्व ये सारे हम चर्चा करते हुए यहाँ तक आया श्रीमत महाप्रभु का भाव देखिए श्री राधिकार भाव जो छे उद्धव दर्शने उद्धव दर्शन के द्वारा श्रीमती राधानी का अंदर में ऐसा विक्रिया उपस्थित हुई जो मत पूछो राधिकार भाव जो छे उद्धव दर्शने उद्धव को दर्शन करने के बाद उद्धव के साथ बातें करने के बाद ऐसा अभूतपूर्व भाव का उजागर हुआ क्यों पूछो मत अद्भुत इसका नाम है चित्र इसका नाम है चित्र जल्पो मतलब भावों में डूबने का बाद तरह तरह का विचार उत्पत्ति होता है जैसे एक पागल आदमी बोलते रहते हैं ना जैसे एक पागल आदमी कुछ कहते रहते हैं ऐसा माफिक हो जाता राधिकार भाव जो उद्धव दर्शन सही भावे मत तो प्रभु रहे रात्रिदिने उद्धव जी का साथ श्रीमती राधारानी का दर्शन मतलब उद्धव जी आए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण भेजे हैं जाओ सब कोई को थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा कंसोलेशन कोरा उन लोग को थोड़ा थोड़ा समझा बुझा के आओ लेकिन क्या समझे क्या समझे कैसे समझे क्यों समझे क्योंकि हम लोगों का ज़िंदगी में तो और कुछ नहीं चाहिए शांति कंसोलेशन तो उसको मिल सकता है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है ते तो ये तो ऑल्टरनेटिव नहीं है हमको कृष्ण ही चाहिए कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं चाहिए राधिकार भाव जो इच्छे उद्धव, उद्धव दर्शन उद्धव का धाप दर्शन उद्धव का बातें करने के बाद चित्र जल्पो उत्पन्न रे कैसा भाव जैसे पागल जैसा है भ्रमोर को देख के बोलते जा भाग मैं खूब भले भाती जानती हूँ तेरा मतलब क्या है जा इधर से ऐसा बोल के भ्रमर को सामने रख कर बहुत सारे बातें बोलने लगी और उद्धव तो पागल हो गया उद्धव बोले क्या भाव है ये तो कभी सोचा भी नहीं ऐसा भाव है श्री राधा रानी उद्धव जी को दर्शन करने के बाद जो बातें कही थी वो और गीता का नाम में प्रसिद्ध है और इसी भाव के द्वारा महाप्रभु योगी श्रीमती राधाराणी का भाव और अंग कांति को चुरा लिया है यही भाव में राधाराणी का भाव में गोरंग महापुर रात और दिन डूबे हुए हैं रात में स्वरूप गुसाई का कंठो आलिंगन करके बिलाप करते रहते हैं महाप्रभु राधाराणी का भाव लेकर रात्रे बिलाप करे स्वरूप कंठ धोरी आवेश आपोन भाव कहे उघारी ये सब बात आम आदमी के लिए समझने का बाहर है इसीलिए असत भी सह संगस्तु न कर्तव्य कदाचन जो श्लोक भूल गया था ना असद भी सह न कर्तव्य कदाचन जस्मात् सर्वार्थ हानि अध्य जाए थे ये श्लोक याद हो गया हम लोग तो असद संग में डूबे हुए हैं और अगर कोई अगर तर्क उठाए के के महाराज हम असत सत्संग भी तो करते हैं हम तो सत्संग भी करते हैं लेकिन सत्संग करते हैं लेकिन विचार तो ये हैं प्रोपा जी ने बताया सत्संगो असत्संग एक साथ चलता नहीं सत्संग एंड असत्संग पैरा कैन नॉट गो सत्संग का मतलब है असत्संग छोड़ना सत्संग का मतलब ही पोपात कहे हैं पोपात जी ने अपना प्रवचन में बता दिया कि सत्संग किया सत्संग का मतलब ये है कि असत्संग छोड़े असत भी सहो संगस्तु नौ कर्तव्या कदाचन हो यस्मा सर्वात्त सत्संग का मतलब असत्संग छोड़ देना बिल्कुल क्योंकि सत्संग असत्संग एक साथ चले तो उसमें कोई फायदा नहीं सुविधा नहीं दिन रात महाप्रभु श्रीमती राधाराणी का भाव लेके डूबे हुए हैं रात को रात का टाइम में भी बेचैनी से गुजारते हैं कोई निद्रा नहीं है रात्रि प्रलाप करे स्वरूप कंठ कौंठोधोरी आवेश आप भाव कहे हुए जैसे श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण का विरोह यंत्र नामे विरोह का इतना कातर अवस्था है इतना पेनफुल को रहा नहीं जाए महाराज इतना पेनफुल सिचुएशन है रात को भी श्रीमती राधा रानी का निद्रा नहीं आती है और जैसे ललिता का साथ अपना मन की ए, मन की भाव कहते रह कहती रहती है रात्रे पुलाप करे स्वरूपेर कंठधरी आवेश आपूर्ण भाव कहे उघरी आवेश में आकर रानी का आवेश में आकर अपना मन की जो बातें हैं अपना मन की जो दुख भरे नाले हैं ये सुनाती रहती है उगाड़ी मतलब पूरा दिल खोल के भाव उठे अंतरे, प्रभु भाव की सागर है अनंत सागर प्रभु का कब किस भाव की सागर उत्थित सागर भाव की सागर उत्थित होता होता है इसका कोई ठिकाना नहीं तो फिर जबे जबे जे भाव उठे प्रभुर अंतरे प्रभु का अंतर में समय समय के अनुसार क्या कुछ भाव हृदय में आया स्वरूप गोसाई के सब पता चलता है जब जे भाव उठे प्रभुर अंतरे से गीत श्लोके सुख दैन दामोदर दामोदर स्वरूप गोसाई जिस भाव प्रभु का अंदर में उत्थित होता है जब 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 उसी भाव का अनुसार अपना कीर्तन अपना गाना गा गा के महाप्रभु का जो भाव है उसको काउंटर बैलेंस करते हैं ये यही भाव उठे प्रभुर अंतर और सही गीत जैसा भाव है वैसा मैचिंग गीत श्लोक दे के प्रभु को कंसोलेशन होता थोड़ा आनंद देने का कोशिश करता है आनंद क्या है वो शांति इतना कष्ट है जल रहा है दिल भगवान कृष्णन हैं भगवान कृष्ण के लिए गोविंदों के लिए इतना कष्ट है अंदर में कि मत पूछो जब ये भाव उठे प्रभुर अंतर प्रभु का अंदर में जब जो भाव का उजा, उजागर होता है उसी भाव का अनुसार प्रभु को संगीत और श्लोक देकर दामोदर थोड़ा कंसोलेशन थोड़ा शांति देने का कोशिश करता है इतना कष्ट है ई बेकार जो नहीं किचु ये सब विचारें ये सब जो बातें हैं ये सब जो बात ये सब जो बातें हमने उठाए हैं ये सब बात अभी चर्चा का समय नहीं है ये बाद में हो पाएगा एवे कार्य जो नहीं किचे ये सब विचारे अभी ये सब विचार का समय नहीं है अभी तो राधा तत्व तो तो कृष्ण तत्व तो तो गौरांग तत्व तो तो ये सब बोलने बैठे हैं ये सब बाद में बाद में आगे चलकर इसका विचार हो सकता बाद में आगे चलकर इसका खूब विचार हो सकता एवे कार्य जो नहीं किचे ये सब विचारे आगे या विवो रिवो कोरिया विस्तारे महाप्रभु का इस सब भाव का बारे में हम आगे चलकर बहुत विचार करेंगे कोई बात नहीं अभी ये सब समय नहीं है पूर्व ब्रजे कृष्णेद त्रिविद वयो क्रम वयोधर्मो पूर्व लीला में चैतन्य महाप्रभु का पूर्व लीला कृष्ण लीला पूर्व पहले ब्रजधाम में कृष्ण का तीनों जो स्टेज का लीला तीनों एक है बालो पोगंडो और कोशो इसके बाद तो खैर छोरो किष्ण बाहरी विचार में वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा और मथुरा का बाद मथुरा से दारका प चले गए उसके बाद वहाँ भगवान श्री कृष्णो का जो कैशर लीला है यही गौड़ी भक्तोगणों का प्राण है ये जो कैशर लीला है कैशर लीला कृष्ण का किशोर लीला ये गौड़ भजन का प्राण है पर परसो आ पहले बोला बयो कैशोर कंधेयम लेकिन इधर एक बात पैदा होता है भगवान श्री कृष्णो सोलह साल तक वृंदावन में नहीं रहा ग्यारह साल समथिंग उम्र में कृष्ण चले गए तो कैसो कैशोर लीला कैसे आप बता सकते हैं किशोर लीला कैसे हो गया इसका क्या विचार है भगवान का किशोर रूप का जो आराधना है हमारा गौरी भजन का रहस्य है लेकिन किशोर वायस कहाँ मिला किशोर वायस तो कृष्णो नहीं रहा ना कृष्णो स्टेट देयर इन वृंदावन इलेवन ईयर समथिंग हाउ यू आर गोइंग टू गेट एडोलेशन सिक्सटीन ईयर्स कृष्ण वास नॉट देयर ऑलरेडी गॉन बाई टाइम बट स्टिल हम लोग गौरियो विचार में हर वक्त क्या वो जो इलाहाबाद में महाप्रभु का साथ है वो जो पंडित क्या नाम है उसका उसका साथ चर्चा हुआ रघुपति उपाध्याय रघुपति उपाध्याय का साथ महाप्रभु का चर्चा हुआ महाप्रभु ने पूछा धामों में धामों में कौन सी सबसे ऊंचा है बड़े धामों में मथुरा है और उमर कृष्णों का बाल्य लीला है कृष्णों का बाल्य लीला है विष्णु का पौगंड लीला है बाल्य लीला में एकदम बच्चा पौगंड लीला है उसके बाद किशोर लीला कृष्ण तो चले गए कैसे मिला भले इसके एक रहस्य है देर इज वन मिस्ट्री ये राव से क्या है ये किश्नो राजकुमार प्रिंस किश्नो राजकुमार है राजा का लड़का है जिबू हो पाद जी ने बोला लिखा है राजा का लड़का होने के नाते ये प्रिंस राजकुमार का उम्र जितना है उससे ज्यादा दिखता है जो लोग राजपूत हैं उन लोगों को उम्र पता नहीं चलता इन पंजाब इफ आई शो यू अ बॉय ऑफ ट्वेल्व ईयर्स यू कैन थिंक एटीन ट्वेंटी ईयर्स सो, दिस इज द कर्निंग जीबो साई टू वेड टू वेल कृष्णो वेंट एक्सटर्नली वेंट अवे इंटरनली नेवर गोइंग आउट ऑफ वृंदावन वृंदावन का बाहर जाते ही नहीं वृंदावनम परितज्जो नंदनंदन कृष्णो नंदनंदन कृष्णो वृंदावनम परितज्जो कदापि न वृंदावन बृंदावनचंद कृष्णो नंदनंदन कृष्णो नेवर गोइंग आउट ऑफ वृंदावन एक्सटर्नली इट इज वन कैम लीला इंटरनली ही इज गोइंग टू हाइड इन वृंदावन सिक्रेटली एंड वाचिंग द लाफुल बिहेवियर ऑफ गोपिकास टेस्टिंग सिक्रेट ले जिबुगोसाई पाद जी ने बोला नंदनंदन कृष्णो वृंदावनम परित्यजो कदापि न गच्छ भगवान श्री कृष्णो जद्यपि ग्यारह साल सम, सम मास है मा, महीना उसके बाद चले गए लेकिन राजपूत होने के नाते राजपूत राजा का लड़का किंग है प्रिंस तो जो लोग प्रिंस हैं इन लोगों का बॉडी ग्रोथ बहुत होता है बहुत दस ग्यारह साल के उम्र में दिखेगा बहुत लंबा चौड़ा अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्शन वी आर गोइंग टू और एडोलेशन एज एक्चुअली कृष्ण वॉज नॉट कृष्ण गॉन इलेवन ईयर समथिंग जो भी है कोई बात नहीं जैसे पंजाब का राजपूत उधर देखो राजपूतों का लड़का सब उम्र कितना हमने पूछा बोले महाराज हमारा बेटा का उम्र है बारह साल हो हुआ नहीं है बारह साल हुआ नहीं लेकिन इतना बड़ा ग्रोथ है बाप रे लगता है कि वो अठारह बीस साल का ऊपर ऐसा ऐसा ही भाव है और कुछ नहीं तो किष्णो का होल लीला ऑफ किशनो कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट वन इज बाल लीला स्मॉल लीला एंड इज यू नो पौगंडो एंड आफ्टर लीला आफ्टर दैट किशोर लीला एट सो ये तीन लीला का अंदर में गौरी भजन में द थर्ड वन किशोर लीला गौरी भजन में सबसे बड़ा ऊपर है गौर डिबोटी बाल कृष्णों का आराधना नहीं करते। गौरी भक्त लोग कृष्णों का हर बकत किशोर कृष्णों का आराधना करें रघुबुद्धि उपाध यही बताया था श्याम एव परम रूपम रघुवती उपाध्याय एंड महाप्रभु डिस्कस्ट इन इलाहाबाद एट द हाउस ऑफ बल्लभ आचार्य आचार्यो ग्राम इलाहाबाद वहाँ ये सब चर्चा का खातिर इस अब आपको आया था महाप्रभु क्वेश्चन कर रहे हैं पूछ रहे हैं कौन सी रूप भगवान कृष्ण का कौन सी रूप सबसे अनोखा है रघुपति वध्य कह रहे श्याम एव परम रूपम अच्छा वाह बहुत नाइस बहुत फाइन लेकिन एज एज फैक्टर एज फैक्टर कृष्ण का कौन एज बोले वयो कोश्वर कम धेयम गौड़ी भजन में कृष्ण का कोईश्वर लीला बंशी बादल लीला विलास ये सबसे अच्छा है ताले श्याम एव परम रूपम

बरा मथुपुरी मधुपुरी बारा मथुरा मथुरापुरी बिकॉज मथुरा मंडल का अंदर में मथुरा मंडल का अंदर में वृंदावन अंतःकरण मथुरा मंडल का अंदर में वृंदावन तो पूर्व पहले ब्रजधाम में कृष्ण का तीनों किस्म का एज एज फैक्ट एज फैक्टर का अनुसार तीनों किस्म का लीला का विचार आता है ये अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर तीनों किस्म का लीला का मोटा मोटी विचार आता है एक है कोमार पौगंडो और किशोर कोमार काल बच्चा है शैशव कोमार पौगंडो और कैशव तीनों बात्सल्य आवेश कोई लो कौमार सफल पौगंड सफल कोई लो लइया सख बासल भाव का बात्सलो भाव का बहुत अपूर्व रूप से परिस्फुटन हुआ है मतलब अपना अपना कृष्णों को देखकर नंदोबा जशोदा माँ उपानंदो अधिनंदो प्रभावती सब कोई का इतना बात्सल्य आता है कृष्ण को देख के मतलब कृष्णो बात्सल्य रस का आधार है बात्सल्य रस किसको देखा जाए विषय है बात्सल्य रस का विषय है और बासल रस बासल का विषय है बसरल किसको दिखाया जाए भत्सल के और नंदबाबा जशोदा माँ आदि सारे बड़े बूढ़े ये सब बसल रस इसको दिखा रहे रस का आधार रस का आधार ये बसलरस दिखा है इसको पूर्वे ब्रजे कृष्णो त्रिविदो वयो वयोधर्मो कौमार पौगंडो और कोईशर अति मर्म बात्सल आवेश कोई, बात कोई लोग कौमार सफल बचपन में मैया जसोदा मैया नंद बाबा आदि सब कोई को ब्रज को यूँ समझो कि ब्रज को एकदम उजाला कर दिया ब्रज को ऐसे उजाला कर दिया बासल प्रेम रस में सब लोग जैसे गौरांगो गौरांगो हमारा मायापुर धाम में अवतीर्ण हुई बचपन से जितना सारे ये हमारा नवद्वीप वासी है ये भी ब्रजवासी है सारे आके गौर गोपाल को गोदी में लेते हैं जो हु इज गोइंग टू टेक स्मॉल गौरांग स्मॉल बेबी इज नॉट गोइंग टू लीव इज गोइंग टू कैच एंड अदर लाइक टू टेक गिव मी गिव मी आई कैन टेक इट दिस काइंड ऑफ बसल ऑल अराउंड सो मच यू नो ऑल नेवर्स सो एट्रैक्टिव सेम केस विथ कृष्णो सो बास का विषय है किष्णो बास का विषय है किष्णो कृष्ण इज द विषय एंड जो ब्रजवासी हैं एक कृष्णो को प्यार करते हैं ये सब रस का आधार है बादशल आवेश कोई लो को सफल इतना छोटा सा बच्चा गोपाल गोविंद और गौर गोपाल ओ पूरा पागल कर दिया सब कोई को बासल्य आवेश कोई लो कुमार सफल जो गौर गोपाल को देखते हैं वो जाता नहीं घर ही इज नॉट गोइंग बैक टू होम आफ्टर वॉचिंग गौर गोपाल He's standing there, he not going back to home. He have so many uh, engagement. He forget everything, looking there. Itna pyar hai. I wrote one book and translating, but time I am not getting. Nimai, oh, you can go mad. All I published fourteen years back. What to do? No time. I can publish it shortly. বাংলা তো পাবলিশ হই গা হিন্দি হই নেই হিন্দু হোক বাতৎসল্য আবেশে কইল কৌমার সফল পৌগণ্ড সফল কইল লোহয়া সখাবল পৌগণ্ড মানে ওয়ে ইস গোয়েন গ্রো আপ এ স্মল বয় অ্যান্ড প্লেইং উইথ অল কভার্ড বয়েজ ফ্রেন্ডস সো বাতৎসল্য আবেশে কইল কৌমার সফল আর পৌগণ্ড সফল কহিলো লোয়া সখাবল

ऑल गोपिका वृंदावन ए, ए कृष्णो रास लीला किया है वाछा भोरी आशा दिलो रसेर निजाज कृष्ण वाटेड टू गि एंजॉयमेंट टू डी वोट इज कृष्णो अपना भक्त लोगों को वाछा कल्पुरु का मापिक आशा इच्छा का पूर्ति करने के लिए कृष्णों का इच्छा बाकी कृष्णों का कोई अपना इच्छा है ना मद भक्त्यानम विनोदार्थम करोमि मी विविधा लीला पदो पुराण में भगवान ने कहा भगवान ने लिखा है मद भक्त्यानम विनोदार्थम करोमि मी विविधा लीला भगवान श्री कृष्ण अपने आप स्वयं संपूर्ण है इनके कोई कामना वासना तो है नहीं फिर भी अगर कामना वासना देखा जाए तो इसके पीछे ही राज है भक्तों लोगों का काम भक्त तो लोग का जो बांछा पूर्ति करने के लिए लिया सो श्री आदि लोहिया कोई लो रासादि विलास भरी आशादि लो रसेर निजास किस्नो रस का निर्जास लेते रहे बड़ा आनंद लेते रहे कोई स्वर से काम जगत सकल कोई स्वर बयस जब उम्र बढ़ते रहता है किशोर समय में ये सबसे बड़ा काम होता है हृदय में ये नियम है ये एक सृष्टि का एक नियम है ये सृष्टि का ये तमाम सृष्टि का अंदर में एक विधान है ये कुछ करने का नहीं किशोर एज कईोर बायस पंद्रह सोलह साल होने का साथ साथ वो एट्रैक्शन होता है एट्रैक्शन होता है कोई शर् बहस न जाने क्यों इसका नाम है काम इसका नाम है काम कोई शर बहस काम जगत सकल, कोई शर बहस में तमाम जगत में एक दूसरे का साथ लड़का लड़की जवानी दीवानी हो जाता है वो करने का कुछ नहीं है ये भगवान का एक नियम है ये जब ही उम्र बढ़ते रहता है न जाने कहाँ से काम आ जाता है एट्रैक्शन फील होता है जो अर्चन पद्धति में लिखा हुआ है ना नाम यथा जूनो नाम जुवतो यथा जैसे युवक युवती का प्रति युवती युवक का प्रति आकर्षित होते रहते हैं ये स्वाभाविक नेचर का नियम है प्रकृति का यही विधान है बात तो रासा राधिका लोहिया कोई कोइलो राधिका आदि लोहिया कोइलो लो राधि विलास वानछा भोरी अच्छा दिलो रसेर नजास कोई शौर वयस में काम स्वाभाविक रूप में जगत में विदित है जो कोई भी है जो भी उम्र बढ़ते रहते हैं उसका काम अब इसका मतलब ये नहीं हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में ये बोल ये नहीं ये तो अलग सा बात है बाकी कोई शर व कोई शर वय से काम जगत सकल रासादी लीलाल तीन कोई लकल सो ओपी कोई सरोपी कोश्वर को व्ययो मानयन मधुसूदन को इज्जत दिया वयस को सफल किया को इज्जत दिया सफल किया शो ओपी को व्यो मानयन मधुसूदन रे मे स्त्रीरत्नकुटस्थो खपासु खपि खपिता हिता भगवान श्री कृष्ण किशोर को किशोर को क्या की ना अमंगल सुनो इस जड़ जगत में व्हाट एवर काइंड ऑफ अट्रैक्शन वी आर फीलिंग फॉर इच अदर इज वेरी डार्टी वेरी बैड मेटेरियल जगत में जो भी आकर्षण है ये होनी नहीं चाहिए सो so, ओ पी कैशर को वयो मानयन रेमे स्त्री रेमेश्नो कुटस्थ खपासु खपिता हिता अहिता अमन अमंगल सुनो कृष्णो का जो एडोलसेंट एज है इसमें कोई अमंगल का कोई बात ही नहीं है अमंगल सुनो कृष्णो का कोईशर वयस में उम्र में रजनी रात का समय ने अपना गोपियों के साथ जो बिहार किया भगवान ने रासादिक लीलाए की हैं किशोर बैस को विशेष सम्मान दिया है किशोर बैस को सम्मान दिया इज्जत दिया किशोर बैस को इज्जत दिया यस yes. महाभावमयी <coughs> महाभावमयी श्रीमती राधारानी और गोपिया गोपियाघनु के साथ कृष्णो बीच में रहकर कर कुटस्थो मधुस्थित परम चैतन्यों श्रीकृष्ण कूटस्थ तत्व निगुड़ो तत्व कूटस्थ मतलब वेरी सीक्रेट तत्व सो ओपि कईशर को वो मानयन मधुसूदन अरे मे स्त्रीरत्नकुटस्थ खपासु खपिता हिता खपी ता अहिता ऐसा करके भगवान ने वृंदावन धाम ने वृंदावन धाम में रजनी अर्थात रात के समय पे भगवान ने रासादिक लीलाएँ की गोपियों का साथ और अपना अपना कैशर उमर को इज्जत दिया सम्मान दिया सफल किया अभी भक्ति सामृत सिंधु में तो कई से काम सकल कोईश्वर वह से काम जगत सकल रासादी लीलाय तिनी करिलो सफल और भक्ति रसामृत सिंधु में महाराज श्लोक आता है बाचा सुचित सर्वरी रतिकला प्रगल भया राधिका <coughs> क्या लिखा बाचा बाचा सुचितो सर्वरी रतिकला प्रगल भया राधिका बीरा कुंचित लोचनम विरचयन अग्रे सखीनम असौ हैं बक्षो रूह चित्र केल मकोरी पंडितपारम सफलिक करौती कलयन कुंज विहारम हरि इसका माने क्या है रूप बात भक्ति में लिखा है श्री कृष्ण प्रागलभ मतलब ओवर स्मार्ट प्रागलभ प्रागलभ संस्कृत वर्ड इसका मतलब ओवर स्मार्ट सो so, यही भगवान श्री कृष्णो प्राग्लभता यही भगवान श्री कृष्णों अपना प्रागलभता के साहस प्रागल्लता ओवर स्मार्टनेस के साथ श्री कृष्णों प्राग्लभत के साथ पूर्व रजनीर पूर्व रजनी का रोतिकला संबंधियों वाक्यों के द्वारा श्रीमती राधा रानी का नयनोद नयनोदय को लज्जित करके आवृत कर दी और इनके बक्षस्थल में चित्र के लिए मकरी ए, ए, चित्र अंकित कर दिए कृष्णों ने किए और सखी गणों के साथ विषय विशेष पांडित्य पांडित्य प्रकाश किया अपना आर्ट एंड कल्चर में एवं विदो एवं भूतो क्रीड़ा के द्वारा कुंज बिहारी भगवान श्री कृष्णो अपना कैसर उमर को सफल किया इज्जत दिया बड़ा क्या लिखा बाचा सुचितो बाचा सुचितो सरवरी रतिकला प्रगलभया राधिका बीड़ाकुंचितोचन विरचयन अग्रे सखीनास तद्वचिकैलमक पंडितपारम ग सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि भगवान कुंज बिहारी बिहारी इन्होंने कुंजों में बिहार करते हुए सफल की हमारा कीर्तन भी है जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनो हैं है गिरिवरोधारी बड़ा सुंदर कीर्तन बड़ा सुंदर यहाँ लिखा हुआ है बाकी का श्लोक में रसामित्र सिंधु का ही श्लोक है श्लोक जिनों जिसका बारे में चर्चा किया है अभी विदग्ध माधव से अभी विदग्ध माधव से भगवान श्री कृष्ण अभी विदग्ध माधव से उठाया गया श्लोक कृष्णदास को विद्ध ने उठाया रूपी पाथ के द्वारा विरचित हरिश न अबातरिशन मथुरा मधुराक्षीराधिका चे अभविष्य वृथ्वा विसृष्टिमकरन् मकरांक मकोरांकस्तु विशेषत मतलब है सखी यदि अगर का हरि और नयन राधिका अगर प्रकट नहीं होते हे सखी यदि अगर हैं मथुरानाथ हे है सखी यदि मथुरा में हे सखी अगर मथुरा में ये हरी मथुरा मतलब मथुरा मंडल मथुरा मतलब मथुरा मतलब मथुरा मंडल यहाँ जो बताया गया सखी यदि अगर मथुरा में हरि और मधुर नयनी राधिका राधिकारानी अगर प्रकृत प्रकट नहीं होते तो ताले समस्त सृष्टि समस्त ये कंदर्प सर्गो कंदर्प सर्गो अर्थात काम केली का जो अपराकृत चिन्मय विलास सब नहीं हुआ होता सब बेकार हो जाता मथुरा में हरी जो लिखा हुआ है इसका मतलब नहीं कि मथुरा में जो वसुधा इसका मतलब ये नहीं कि मथुरा में जो मथुरा में मथुरा का बात जो कह रहे हैं ना ये जो मथुरा का बात उठाए मथुरा में बन नहीं होते इसका मतलब यो समझो कि आप अगर समझो कि मथुरा में जो वसुदेव कृष्णो इसका बारे में हो ये नहीं वृंदावन धाम विद इन मथुरा मंडल मथुरा इज ए जनरल ट्राम मथुरा मंडल मथुरा मंडल विद इन मथुरा मंडल वृंदावन धाम एंड मथुरा इफ यू लाइक टू मीन मथुरा सिटी लेट वेरी सेपरेटिंग मथुरा मंडल वृंदावन इज विद इन मथुरा मंडल इनसाइड सो यहाँ विचार बताया ये जो लिखा है सखी जो अगर मथुरा में हरी और मधुर नयनी श्रीरा श्रीमती राधानी प्रकट नहीं हु, हुए हैं नहीं नहीं अगर प्रकट होते तो श्रीमती राधानी का मथुरा में प्रकट हुआ श्रीमती राधानी तो वहाँ आपका रावल में श्रीमती राधानी का आविर्भाव स्थान रावल में कृष्णों का आविर्भाव स्थान कहाँ है गोकुल में अविर्भाव स्थान तो ये मथुरा मंडल, इसका माने मथुरा मंडल, मथुरा मंडल, हे सखी यदि अगर मथुरा में हरि और मधुर नहीं श्रीमती नहीं, राधारणी नहीं, नहीं प्रकट होते तो सारे सृष्टि का तमाम ये जो विशेष समस्त स्रिष्ट, सृष्टि ये बेकार बन जाता और विशेष करके अप्राकृतिक काम के लिए विलास का जो अद्भुत विला ये भी नहीं हुआ होता बेकार हो जाता हरि रेशो न चेत अवतरीशन मथुराय अभविश्वद चविष्य वृथा मकरान मकरान कंतुस्तु विशेष विशेषत विशेष विशेषतः तद अत्रो इसी प्रकार से यही मत पूर्वे कृष्ण रसेर कारण रसेर साधन रस का सोर्स रस एव अयम रसो वैश रसो वैष रसो वैश रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवती सो so, इसी प्रकार से पहले कृष्ण रस का सदन मैंने सोर्स है यद्यपि करिलो रस निर्जास चरवन तथा तथापि नहिलो लो तीन वाछितो पुराण तीन वंछा का पूरण नहीं हो पाया कौन कौन तीन वंशा तहा सा दीदी यदि कर जतन तार पचम इच्छा करे व्याख्यान कृष्ण का है और कौन कौन तीन इच्छा आपको याद है हमने बताया था हमको हमने बताया था श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश बनै बनैवा स्वाद जयनाद भुतर मधुरिमा हैं है? जयनाथ दुध मधुरिमा कीदृशो व मधीय सक्षम चाहु मद अनुभवतः किद्रिशम बा इति बेति लोभात तद्भावरड्डम तद्भावरड्ढह समजनी सची गर्भसिंधौ हरि इन दैट इज द रीजन प्रोवाइड कृष्ण टूक बर्थ इन फॉर्म ऑफ गौरांगा क्या सी राधाया प्रणय महिमा किद्रिशो बनिवा स्वाद्ज्येना अद्भुत मदरीमा किद्रिशोभमदीय हें सोचा शो मदन बेति कीदृशी लोभाढ़ समजनी सचिगर्भ सिंधौ हरिंदु तीन कारण श्रीमती राधाराणी हाउ सी इज गोइंग टू लव मी व्हाट इज द डीप सीक्रेसी ऑफ दिस् लाव श्री राधाया प्रणय महिमा आई लाइक टू नो दिस सीक्रेसी हाउ आई कैन नो श्रीमती राधाणी आस I'm, I am the Bishai and Radharani Aswa. So it's not possible. I am the only object of love. So if she is loving. But how I can get the taste of love, she is feeling. How I can I cannot. So I will have to take, I have to steal the Baba and body completion of Radharani. Then I can understand. That's why See Siradhaya Pranaima Hima Kidddishw.

तीन सीक्रेट डिजिया, तीन सीक्रेट कारण है रीजन फॉर वाय गौ कृष्ण कमिंग कृष्ण कमिंग इन द फॉर्म ऑफ गौरा सो क्या लिखा है यहां सो so, यही मतो पूर्वे कृष्ण रसेर सदन যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বণ তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পুরন তাহা দিতে যদি করিল যতন তাহার প্রথম মাঞ্চা করিয়ে ব্যাখ্যান কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান কৃষ্ণ স্পিকিং আই এম দ্য সোর্স অফ রাসা বাট আফটার গেটিং দিস রসা হাউ কৃষ্ণ রাধারণী ফিলিং আই ক্যানট রিয়েলাইজ রস বৈশ রস এয় লধানন্দী ভাবতি স তাহার প্রথম মাঞ্চা করিয়ে ব্যাখ্যান কৃষ্ণ কহে আমি ওই রসের নিদান আম তো রসকা সোর্স হ্যাঁ পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব রাধিকার প্রেমে আমায় করাই উন্মত্ত আই এম জাস্ট ম্যাড বাই গেটিং দ্য প্রেম অফ শ্রীমতী রাধাণী পূর্ণা পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব রাধিকার প্রেমে আমায় করাই উন্মত্ত না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল সময় আ না কৃষ্ণ পূর্ণ कृष्णो पूर्ण पूर्णानंदो पूर्णानंदमय कृष्ण कहते हैं मैं पूर्णानंदमय पूर्णानंदमय हमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेम के द्वारा हम उन्मत्त तो हो जाते पागल हो जाते न जाने श्रीमती राधारणी का प्रेमों में कैसा बल है जे बोले जिस बल की आधार पर हमको बिहल बना देते हैं हमको पागल बना देते हैं हम दीवाना हैं दीवाना बन जाते हैं पूर्णानंदोमय अमी चिन्मय पूर्ण तत्व पूर्णानंदमय अमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे अमाय कराय उन्मत्त ना जानी राधार प्रेमे आ कतो बल जे बोले आमाय करे सर्वदा विभल से न जाने राधे राधा रानी का प्रेम में कैसा पावर है जो हमको पागल बना देते हम दीवाने बन जाते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमिशिष्य नॉट श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ये गुरु है राधिकार प्रेम गुरु आमिशिष्य नौट राधिकार प्रेम गुरु का गुरु का आसन लेते लेती है श्रीमती राधानी का प्रेम जो है ये गुरु का आसन लेते हैं मेरे को नचाते हैं श्री राधिका का प्रेम गुरु बन के आसन में बैठते हैं राधिका का प्रेम और हम शिष्य बन जाते हमको जैसे नचाते नाचते रहते हैं राधिका प्रेम गुरु हम शिष्य नॉट सदा अमाय नाना नित्यों नचाई उद्भव हमको न हमको ये प्रेम नचाते रहते हैं न जाने क्या है राधिकार प्रेम गुरु राधारानी का प्रेम गुरु का आसन लेते हैं गुरु का कॉमेंट जैसे शिष्यों पालन करते हैं ये राधारानी का प्रेम के द्वारा मैं पागल बन के दीवाना बन के जैसे जैसे मेरे को नचाते हैं अब मैं नचाहती রাধিকার প্রেম গুরু রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নোড সদা আায় সদা আমায় নানা নিত্য নাচায় উঠব তরো ভাবকে দ্বারা মেক্য করতে হোবিন্দলা মিত মেয়ে শ্লোক কোঠা যদ্যপি গোবিন্দ লীলা মিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জীনেই লিখা चैतन्य चैत्या्य तो कृष्णदास को विराज लिखा है गोविंद लीलामी तो ये भी इन्होंने लिखा है तो यहाँ इस श्लोक को उठाया कस्माद वृंदे प्रिय सखी हरे हे पाद मूला कुत अशौ कुण्यारण्य किमिहुँ नित्य निशिख्या गुरु क मूर्ति प्रति तरुता दिग्विदीक्षुस्फुरती शैलूशीब शैलूशीब भ्रमति परितो नर्तन्ति नर्तंती राधा रानी आस्किंग टू ललिता ए वर फ्रॉम यू आर कमिंग आई एम कमिंग हैं राधा राधाकुंडो There, adjacent garden, Bhagan, Kanan, Kanan means Bhagan. What you see there? I saw Krishna. What he is doing? He is dancing. Who is the guru? You, guru. I am guru. I am here. That is the secrecy. Now, with this brain, you cannot understand. You have to go do bhajan and bhajan, go deep into the ocean, then you can get jewel. अदरव यू कैन फील टायर्ड आई विल टेक रेस्ट कस्मा बृंदे प्रियसखी हरे पादमूल कसौ कुंड्ये किमहो कुरते निशिखा गुरु कन्मूर्ति प्रतिरुता दिग्विदीक्षु स्पुर शैलु शिव भ्रमति परितो तो नर्तयती स्म पश्चात गुरु गोइंग टू फाइंड योर मूर्ति ऑल अराउंड एंड अकॉर्डिंग टू योर गेस्टर कृष्ण डांसिंग राधिकार प्रेम गुरु राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉन अमा नाना नित्य नाचाये उद्भव निजो प्रेमाशादे मोर हय जे आल्लाद ताओ कोटि गुण राधा कृष्णो कह रहे हैं कि निजो प्रेमा साधे मैं जो प्रेम का साधन करता हूँ मेरा तो आल्हाद आनंद होता ही है लेकिन श्रीमती राधा रानी का करोड़ों गुण ज्यादा होता है ये कैसे है? निजो प्रेमा शादी मोर हॉय जे आह्लाद ओके लेकिन इससे भी करोड़ों गुना आनंद श्रीमती राधारणी कोता है हाउ पॉसिबल निजो प्रेमा शादी मोर हॉय जे आह्लाद अपना ही प्रेम का स्वादन में मेरा जो आह्लाद आनंद होता है लेकिन इनसे करोड़ों गुना श्री राधा प्रेमास्वाद আমি জইছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় রাধা প্রেমে তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময় আমি জইছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মময় কৃষ্ণ অলওয়েজ ডেকোরেটেড উইথ অর ডিফারেন্ট কোয়ালিটিস উইচ ক্যান ইন্টারসেক্ট উইথ আদার Like Krishna is the absolute Vairaggo inside Krishna. At the same time, Krishna is the absolute angel. How? Huh? You say absolute. Just to say Krishna is the absolute detachment, and now you say Krishna is the absolute angel. All contradictory qualities can get harmonized in Krishna only, nowhere else. So, निज प्रेम आश्वादे मोर है जे आह्लाद ता गुण राधा प्रेम आश्वाद अमी जो ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय जैसे जैसे हम तरह तरह का विरुद्ध धर्म का आश्रय हूँ मेरे में सब कुछ इक्वी बैलेंस हो जाता है जैसे कि कृष्ण सबसे बड़ा वैरागी है जैसे कृष्णो सबसे बड़ा बैराग्य है कृष्णो का मावी भी वैरागी अनंत तो ब्रह्मांड कहीं नहीं मिले एट द सेम टाइम कृष्णो सबसे बड़ा सबसे बड़ा और आनंद लेने वाला एक कॉन्ट्रडिक क्वालिटी इसीलिए किस्तो कहते हैं मेरों में আমি যইছি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় আমসে কন্ট্রাডিক্ট্রি বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম মা শ্রীমতী রাধা রানী কাবি যে প্রেম হ্যাঁ এ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় রাধা প্রেম বিভু রাধা প্রেম ইজ এ বিভু বস্তু Absolute, endless, but still increasing. Ah, you say endless. Endless, extreme limit. Radha Prem is the extreme limit, you just told me, but now say increasing. How? Oh. Yes, possible. Like Krishna is a bhogi, topmost sense enjoyer, at the same time, detachment topmost. How possible? Radha Prem also having contradictory qualities. Extreme limit. इनक्रीजिंग huh? no, so, राधा प्रेम विभू जार नहीं च्छाने करने, च्छाने च्छाने बारे नहीं था तथा से क्षण 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 बारे सधाए जहा वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित श्रीमती राधारानीकार प्रेम और श्रीमती राधारानी से बढ़कर गुरु कोई नहीं है इवन किष्ण भी नहीं है कृष्णम बंदे जगत गुरुम हम लोग कहते हैं ना कृष्णम बंदे जगत गुरुम बट कृष्ण का भी गुरु है गुरु अब कृष्ण श्रीमती राधा जहा वोई राधा प्रेम विभू राधा प्रेम विभू वस्तु राधा प्रेमा विभू राधा प्रेमा विभू যার বাড়িতে নেই ঠায় তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বার হয়ে সধায় যাহা বই বস্তু নাহি সুনিশ্চিত তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত রাধারায়ণ টকমোস গুরু বাট নেভার ডিজার্ভ এনি এগো গ্লোরিফিকেশান নেভার ডিম্যান্ড এনি গ্লোরিফিকেশান যাহা বই গুরুবস্তু না सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित गुरु धर्म गुरु इज गुरु इज ऑलवेज इन टच विद इन्फिनेटी भगवान बस स्टिल नो फॉल सीखो गुरु का अंदर में अभिमान नहीं रहता है राधा प्रेम विभू जर बारित नहीं छाई तथापि शिक्ष क्षणिक क्षणिक बारह सदाई जहाँ वो गुरु वस्तु नहीं त्रिभुवान जहाँ वो गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित डेफिनेटली श्रीमती राधा रानी का प्रेम से बढ़कर कोई गुरु वस्तु और मोर भी नॉट देर नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन राधा प्रेम इट इज एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथापि गुरु धर्म गौरव होती गुरु গুরু অলওয়েজ ফ্রি অফ ফল শিব তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত যাহা বই সুনির্মল দ্বিতীয় নই আর পিউরিটি অ্যাপসিলুট পিউরিটি এসামাপিক অ্যাবসিলুট পিউরিটি নো সেকেন্ড অবজেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যাহা বই সুনির্মল দ্বিতীয় নই আর তথাপি तथापि तो सर्वदा बामो वक्रो व्यवहार श्रीमती राधा रानी का प्रेम एब्सल्यूट है राधारणी गुरु फिर भी उसका अंदर में ग्लोरिफिकेशन का कोई आशा आकांक्षा नहीं है जिससे बढ़कर सूरिन कोई सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं है तथापि तो फिर भी सर्वदा राजानी प्रेम के विकार के द्वारा बाम बक्रो व्यवहार बाम वक्र में ब्राम बामो बक्रो व्यवहार बाम में नॉट अनुकूल हर पता लगता है कि ये प्रेम जगत का एक परिभाषा है इसको समझाना मुश्किल है जिन लोगों ने कम से कम मेटेरियल जगत का प्रेम साधन किया है हीरो हीरोइन ये लोग जानता है कुछ भी नहीं है हीरोइन गुस्सा हो गई चलो हमको दरकार नहीं अरे मनाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन गुस्सा हो असली प्रेम का यही रहस्य है जो रूपकोश्पाद जी ने लिखा है ये प्रेम का गति झिक झक है द वे ऑफ प्रेमा इज झिक झक लाइक स्नैक यू कैनोट अंडरस्टैंड वेन वाट काइन अबा कमिंग वाई बिकम एंग्री कैनोटर प्रेम का रास्ता जो जिग झक है अहे रीबो गति ही प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवे समटाइम कृष्ण नॉट अंडरस्टैंड वाई बिकम एंग्री कॉम्प्लिकेशन। इट इज अक्सीडेंट एक्सीलेंट एफेयर जहाँ वही सुनील द्वितीय नहीं आर तथापि तो सर्वदा बामो वक्रो व्यवहार बामो ऑलवेज़ हैव समियक्शन इन साइड वॉक्रो व्यवहार नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली बिहेवियर इज ऑल्सो कॉम्प्लीकेटेड कैन सेली कईमुदी सो दान केली कैमुदी so, के किताब में शिल रूप सिंह पद लिखा है विभुरूपी कलयनो सदावीर वृद्धि गुरू रूपी गौरवचर्जया विन ऐर् मुहूर्पोचित्रीमा वक्रिमापी शुद्ध जयती मुरदिशिराधिकाग क्या लिखा कलयन विभुरोपी कलयृद्धि गुरूपी गौरवचर्जया विहीन आर मुहूर् उपोचितो बक्रिम ओपी शुद्धो जयति मुरदिशी राधिका अनुराग इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एब्सिल्यूट कॉम्प्लिकेटेड एंड स्वीट बाबा ब्रादर ए सो कॉम्प्लिकेटेड यू कैन नॉट ओनली ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड सो यहाँ चर्चा का विश्राम दे काल इस चर्चा फिर आगे बढ़ाएंगे कैसे भगवान श्री कृष्णों विचार करके गौरंग महाप्रु का भाव लेकर अवतीर्ण हुए हैं रानी कैसे आस्वादन करती है क्या भाव है मेरा अंदर में क्या है ऐसा कुछ ऐसा कुछ खास है जो रानी रहता है अट्रैक्शन बुद्ध ये तीनों भाव को आस्वादन करने के लिए गौरांग रूप लेकर आए हुए हैं विभुरपी कलयन सदावृद्धि गुरुमी गौरवचर्जया विन आ मुहुपोचित बक्रीमापी शुद्धो जगति मुरदिशि राधिका काुराग आज यहाँ तक चर्चा का विश्रामदे सो so, यहाँ तक चर्चा का विश्रामदे अत दुस्सङ्ग मुसृज्य सस्व सज्जेत बुद्धिमानः सन्त एव सो छिन्दन्ति मनोभ्यासङ्गम् उक्तिभि वाञ्छकल्पदोषिक वासिन्द पतितानङ्ग पावन भो वैष्णवभ्यो